नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अंशकालिक जलवाहकों और एमडीएम वर्कर्स को तोहफा, ऊर्जा नीति में होगा संशोधन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में बरसात के इस मौसम में राज्य में भारी बारिश के कारण हुई जनमाल की व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया गया और इस आपदा में काल का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% और शेष 10 वर्षों के लिए 30% होंगी। बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण 1, 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध और 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम व एनएचपीसी को प्रदत्त बाधा रहित निशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपए के बजाय 12 रुपए प्रति किलो होगा। इसके अतिरिक्त कीनू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो, जबकि नींबू व गलगल का समर्थन मूल्य 8 से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने किरतपुर मनाली फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 3 नए स्थापित यातायात पर्यटक पुलिस स्टेशन के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सड़कें ठप, शिमला में 2 दिन बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ गया। राजधानी शिमला में मंगलवार दोपहर को रेड अलर्ट के बीच झमाझम बादल बरसे। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक राजधानी में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में अधिकांश स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों से सरकार ने हटाई रोक, शर्तें लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक को हटा दिया है। अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। 31 अगस्त तक संबंधित विभागों के मंत्री तबादले कर सकेंगे। 1 सितंबर से रोक दोबारा लग जाएगी। 20 से 30 सितंबर तक फिर से तबादले करने की छूट मिलेगी। पिता ने चिट्टे के साथ बेटे को किया पुलिस के हवाले, बिलासपुर के भराड़ी का मामला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना के तहत पपलाह क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चिट्टे सहित पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके अलावा पंजाब के 3 अन्य युवकों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा अपने बुआ के घर गाहर में रहता है। करीब 1 साल से उसका बेटा गलत संगत में फंस गया। सोमवार को उसकी बुआ ने फोन किया कि अक्षय 3 लड़कों को घर ले आया। इसके बाद वो गाहर पहुंचे तो उनका बेटा और तीनों युवक भाग गए। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। प्रोवीसी की मंजूरी पर 31 अगस्त तक बढ़ी पीजी में प्रवेश की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की खाली सीट्स को भरने के लिए प्रति कुलपति की विशेष मंजूरी के बाद प्रवेश की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी। पीजी कोर्स में 16 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विभागों में कक्षाएं शुरू होने का क्रम भी शुरू हो गया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम ने बताया कि जिन विभागों में पीजी कोर्स की खाली सीट्स हैं, उन सीट्स के लिए छात्र प्रति कुलपति की विशेष स्वीकृति के बाद ही प्रवेश ले पाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश माने होते तो नहीं होती इतनी तबाही, जानिए पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब और अवैध निर्माण के भयानक परिणाम के बारे में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 वर्ष पहले चेतावनी दी थी। वर्ष 2015 में आए भूकंप को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा था कि अधिकारियों ने हाल के भूकंपों से कोई सबक नहीं सीखा। इस भूकंप ने हिमालय क्षेत्र विशेषकर नेपाल को तबाह कर दिया था। 12 मई 2015 को अदालत ने प्रदेश में नियमों के विपरीत बने भवनों की ताश के पत्तों की तरह ढहने की आशंका जताई थी। अदालत ने कहा था कि शिमला में बेतरतीब और अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस शहर को कंक्रीट के जंगल में बदलने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जीएनएम कोर्स की 886 सीट के लिए काउंसलिंग 28 अगस्त से शेड्यूल जारी। मेडिकल शिक्षा और रिसर्च निदेशालय ने 3 साल के जीएनएम कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। मेरिट आधार पर 886 सीट्स को भरा जाएगा। 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक काउंसलिंग होगी। मेडिकल शिक्षा और रिसर्च निदेशालय ने जीएनएम कोर्स की मेरिट सूची वेबसाइट पर डाल दी है। ड्यूटी पर जा रहे युवक के साथ हादसा, रावी नदी में गिरने से हुई मौत। चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र के कुछेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट में ड्यूटी पर जाते समय एक युवक रावी नदी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान विशाल कुमार निवासी सलूड़ी के तौर पर हुई। पुलिस चौकी होली से एक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। पुलिस ने लकड़ी तस्करी के बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। पंजाब जा रही 29 गाड़ियां जब्त। हिमाचल पुलिस ने वन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी का बड़ा जखीरा काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस द्वारा इस माफिया पर नकेल कसने के लिए सोमवार और मंगलवार की पूरी रात बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के द्वारा एसपी ऊना और एसपी कांगड़ा की अगुवाई में संयुक्त टीम का गठन किया गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए देवभूमि में भरपूर उत्साह, यहां दिखाया जाएगा लाइव प्रसारण। चंद्रयान 3 की सफल और सकुशल लैंडिंग के लिए देश की 140 करोड़ जनता दुआएं और प्रार्थनाएं कर रही है। बुधवार शाम 6 बजे के करीब चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए देश के साथ साथ देवभूमि के लोग भी उत्साहित हैं। ऊना में मंगलवार को शिक्षण संस्थानों के अलावा मंदिरों व अन्य जगहों पर दुआ प्रार्थना की गई। बुधवार शाम को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर की जा रही ठगी, साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से कई गुना लाभ का झांसा देकर साइबर ठग लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस संबंध में साइबर पुलिस के पास बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। बिलासपुर के लुहणु मैदान में आयोजित की जाएगी सेना भर्ती रैली, 3 से 9 सितंबर तक ले सकेंगे भाग। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली ऊना हमीरपुर बिलासपुर जिले के लिए 3 से 9 सितंबर तक बिलासपुर के लुहणु खेल मैदान में आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती निदेशक हमीरपुर कर्नल बीएस भंडारी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने इस योजना के तहत सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके प्रवेश पत्र भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।